करता हूँ आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स में। सबसे पहले जो हम टॉपिक लेंगे वो लेंगे इसमें से दो, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये चीज़ें होती क्या हैं। ट्विन्स के बारे में ऊपर है, द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स लाइज टू हाउ द एग हैव बीन फर्टिलाइज। मतलब कि नॉन आइडेंटिकल और आइडेंटिकल ट्विन्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि एग किस तरीके से फर्टिलाइज हुआ है। हेयर द प्रोसेस बोथ केसेज विल बी एक्सप्लेन्ड। यहाँ पे आपके सामने दोनों केसेज को एक्सप्लेन किया गया है। द फॉलोइंग इज इट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ बोथ केसेज। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए जो है वो है आइडेंटिकल ट्विन्स। तो आइडेंटिकल ट्विन्स में आप देखते हो, द प्रोजेनी ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स टेक्स प्लेस व्हेन अ सिंगल एग इज फर्टिलाइज्ड बाय टू स्पर्म। ठीक है, जब एक सिंगल एग सेल फर्टिलाइज होगा दो स्पर्म के द्वारा, मतलब दो स्पर्म सेल्स और ओनली वन सिंगल एग, एंड फॉर्म अ जायगोट, और फिर वो क्या बनाएगा, जायगोट बनाएगा विच लेटर स्प्लिट इन टू क्रिएटिव टू फीटसेस। तो जनरली जो आपका बनेगा वो जनरली बनेगा टू फीटस आपका बनेगा, लेकिन उसमें जो एमनियोटिक या प्लेसेंटा होगी वो एक ही होगी, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन जनरली यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि एक सिंगल एग सेल्स आपकी थी जो कि बनाई टू स्पर्म, एक सिंगल एग को फर्टिलाइज किया किसने, दो स्पर्म सेल ने, और बनाया क्या, जायगोट। ठीक है, और उसके बाद दो फीटस आपकी बनेगी, वो की आपकी देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं दूसरी तरफ, देख लेते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स में डाइजाइगोटिक, इसमें दो जायगोट बनते हैं, इसमें एक जायगोट, इसमें दो जायगोट, और बाई विटेलाइन प्रोजेनी अकर्स व्हेन टू एग्स आर फर्टिलाइज बाई टू डिफरेंट स्पर्म्स। इसमें क्या था कि एक एग दो स्पर्म से फ्यूज करते थे, इसमें दो एग दो स्पर्म से फ्यूज करेंगे, रिजल्टिंग टू एम्ब्रियोज बींग कॉन्साइव्ड एंड सेम टाइम। ठीक है, तो इसमें दो एम्ब्रियो आपके बनते हैं सेम टाइम में, यहाँ पे एम्ब्रियो एक ही रहेगा लेकिन उसमें उसके अंदर आपका क्या रहेगा, दो फीटस बनेगा। तो आइए देखते हैं कि क्या है आपका जनरली आइडेंटिकल ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स में ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, द प्रोजेनी ऑफ ट्रूली आइडेंटिकल ट्विन्स नोन एज गायनेकोलॉजिकल टर्म एज मोनोजाइगोटिक प्रोजेनी। ठीक है, वन जाइगोटिक और मोनोजाइगोटिक प्रोजेनी और यूनिविटेलाइन अकर्स व्हेन अ सिंगल एग इज फर्टिलाइज विथ वन स्पर्म एंड फॉर्म अ जाइगोट विच लेटर स्प्लिट इन टू क्रिएटिंग अ टू फीटस। ओके, तो यहाँ पे यही चीज़ें आपके सामने बोलते हैं जो आपके सामने पीछे की तरफ बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मोमेंट दैट द स्प्लिट अकर इफ इट्स अकर विद इन द फर्स्ट 5-4 डेज। कहते हैं कि अब यहाँ पे जैसे कि आपका ये है फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द मोमेंट दैट द अकर इफ विद इन द फर्स्ट 4 डेज फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन ईच फीटस विल हैव इट्स ओन प्लेसेंटा एंड ओन एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, तो हर फीटस के पास क्या होता है, इनका अपना प्लेसेंटा होता है और अपना एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो कि जनरली आपको 1 से 4 दिनों में देखने को मिल जाता है। ठीक, आगे के डेवलपमेंट में कहते हैं, हाउ एवर इफ द स्प्लिट अकर बिटवीन द 4th एज अ ए एंड द 8th डेट एज अ 75% ऑफ केसेस ईच फीटस विल हैव इट्स ओन एमनियोटिक फ्लूइड बट दे विल शेयर द प्लेसेंटा। मतलब इनके पीस जो अपना एमनियोटिक फ्लूइड जो किनारे किनारे आपको दिख रहा है ये तो है, लेकिन जो इनका आपका प्लेसेंटा होती है वो क्या है आपका, इट्स हैव ओन एमनियोटिक फ्लूइड। मतलब इनके एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, अपने खुद के होंगे, लेकिन इनकी जो प्लेसेंटा होगी वो क्या करेंगे, दोनों को शेयर करना पड़ेगा आपस में। आगे के डेट में कहते हैं कि ईच फीटस डेवलप इंडिपेंडेंटली बट दे फॉर्म द सेम स्पर्म एंड द सेम एग। मतलब जिस तरीके का स्पर्म यहाँ पे बनेगा उसी तरीके का स्पर्म सेल्स और एग सेल्स यहाँ पे रहेगा। दे शेयर द सेम जेनेटिक मेकअप्स। मतलब कि ऐसा नहीं कि डिफरेंट टाइप्स के स्पर्म आपके उसको फ्यूज कर रहा है, एक तो है क्या, एक ही आदमी का स्पर्म्स रहेगा और एक ही फीमेल का आपका क्या रहेगा, एग रहेगा। तो कहते हैं कि सेम स्पर्म्स एंड द सेम एग दे शेयर द सेम जेनेटिक मेकअप्स, और उनके बीच जो जेनेटिक मटेरियल का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। कुछ कुछ अलग हो सकते हैं, फिजिकली ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, इसीलिए जो फिजिकली अपीयरेंस इनका होता है वो कैसा होता है, एकदम सेम आइडेंटिकल होता है। ठीक, हाँ, कुछ कुछ चीज़ों में। ओके, आगे देखते हैं कि क्या है कि यहाँ पे आपको देखने को मिला, पहले यहाँ पे हमने क्या देखा कि सेम प्लेसेंटा, तो यहाँ पे देख रहे हो आप क्योंकि प्लेसेंटा एमनियोटिक फ्लूड तो सेम अपना अपना है, इनका एमनियोटिक फ्लूड, इनका एमनियोटिक फ्लूड, लेकिन इनकी जो प्लेसेंटा है वो क्या है आपका, एक रहेगा, इनको शेयर करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में खुद रहेगा अलग अलग, आउन प्लेसेंटा अपना अपना प्लेसेंटा है,
लेकिन इस बाद में क्या होगा, इनको अपने जो प्लेसेंटा है इनके किनारे किनारे उसको क्या करना पड़ेगा, इनको शेयर करना पड़ेगा, और जो इनकी एमनियोटिक फ्लूड है वो इनका क्या रहेगा, अपना रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, ये इनका एमनियोटिक फ्लूड है अंदर भरा हुआ, और किनारे किनारे जो इनकी प्लेसेंटा है जिसके द्वारा वो मदर से जुड़े हुए हैं, वो क्या है आपका, शेयर करना पड़ता है। आई बात समझ में? तो इस तरीके का मैकेनिज्म आपको समझना है। आगे देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये चीज़, अब आपका अभी तक आपने देखा आइडेंटिकल, अब आप देखेंगे नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स क्या होते हैं। तो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स में मैंने कहा था आपको कैसे होते हैं, डाइजाइगोटिक होते हैं, बाइवेलेंट प्रोजेनी होती है, अकर विद इन टू एग आर फर्टिलाइज बाई टू स्पर्म सेल्स, इसमें दो एग सेल्स फर्टिलाइज करेंगे किसके द्वारा, दो स्पर्म सेल्स, रिजल्टिंग इन टू एम्ब्रियोज बीन कॉन्वर्टेड एट द सेम टाइम, और इसमें जो एम्ब्रियो बनेगा, दो एम्ब्रियो बनेगा सेम टाइम में। और यहाँ पे देखिए सेपरेट एमनियोटिक सैक एंड प्लेसेंटा, इसमें एमनियोटिक सैक और प्लेसेंटा क्या होगी, दोनों की डिफरेंट डिफरेंट होंगी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि इनको क्या होगा अपने प्लेसेंटा को शेयर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए इनकी अपनी प्लेसेंटा, इनकी अपनी प्लेसेंटा है, ठीक है, देखिए यहाँ से, ठीक। यहाँ पे विद द कॉन्सेप्शंस ऑफ नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स ईच फीटस हैज ऑन एमनियोटिक फ्लूड एंड प्लेसेंटा, इनके पास अपनी प्लेसेंटा होती है, एंड मे और मे नॉट बी द सेम जेंडर, और हो सकता है कि ये सेम जेंडर के हों, और हो ये भी सकता है कि ये सेम जेंडर के ना हो। तो इस तरीके के ट्विन्स में कहते हैं नॉन आइडेंटिकल, मतलब ये जेंडर भी सेम नहीं होंगे, उस कंडीशन में जेंडर सेम हो सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में जेंडर सेम नहीं होने के भी चांसेस होते हैं। वहां पे देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है, नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स में देयर अपियरेंस विल बी दैट ऑफ टू सिबलिंग बॉर्न एट डिफरेंट टाइम्स एंड दे आर आल्सो नोन एज फैटर्नल ट्विन्स। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, और साथ में ऐसा नहीं है कि वो सेम टाइम पे भी आए, हो सकता है थोड़ा टाइमिंग का भी क्या, तो डिफरेंट टाइम्स दे आर आल्सो नोन एज फैटर्नल ट्विन्स, हो सकता है थोड़े थोड़े डिफरेंस पे, बहुत ही कम डिफरेंस पे ये आ सकते हैं, मतलब कि इनका बर्थ हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग बोलते हैं फ्रैटर्नल ट्विन्स। आगे देखते हैं यहाँ पे आपके नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स के बारे में कुछ चीज़ें। इन द केस ऑफ बोथ आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स द ऑफ स्प्रिंग आर एक्सट्रीमली क्लोज ड्यू टू फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंट फैक्ट दे वर बी बॉर्न ऑन द सेम टाइम्स, ठीक है। तो जनरली जो सेम टाइम्स होते हैं उनको हम जनरली क्या कहते हैं कि ये आपके क्या है, ट्विन्स हैं, उनके कुछ फिजिकल अपेयरेंसेस को हम लोग ध्यान में रखते हुए उनको हम ट्विन्स का नाम देते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, आपको इसमें कई चीज़ें सिंपली तरीके से याद रखनी है जो कि ट्विन्स के केसेस में होती हैं। तो आइडेंटिकल ट्विन्स किस तरीके से होते हैं, कैसे बनते हैं, कितने एग कितने स्पर्म उनको फ्यूज़ करते हैं, और दूसरी एक तरफ आपको नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स में कितने एग कितने स्पर्म को फ्यूज़ हो रहे हैं, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इनकी प्लेसेंटा किसके पास अपनी होती है, किसके पास अलग अलग प्लेसेंटा होती है, कौन शेयर करता है, ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में थोड़ी सी हिस्ट्री होगी रोम की, जिसको कि मैं आशा करूंगा कि आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूं, लेकिन आपको जनरली ये किसी भी सिलेबस में होता नहीं है। तो अगर आपको अच्छा लगे कि मैं इनकी हिस्ट्री को थोड़ा सा शेयर करूँ कि पहले के ज़माने में इस चीज़ को कैसे करते थे, डिफाइन करते थे, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके सामने एक नया वीडियो इसके बारे में बनाऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।